हेलो गाइस, मेरा नाम है आरजीवन और आप लोग देख रहे हैं द स्लेबाउ। हर बार की तरह इस बार भी हम लोग हैं एक नई जगह पे एक नई चीज़ खोज में। आज हम लोग हैं दिल्ली के लिटिल टिबेट, जिसका नाम है मजनू के टीले पे। यहाँ पे हम लोग ट्राई मारने वाले हैं कोरियन फूड। जी हाँ, आज है हम लोग गैंगम कोरियन रेस्टोरेंट में। गैंगम की जर्नी और गैंगम में क्या क्या मिलता है, उससे पहले हम लोग जानते हैं लिटिल बिट अबाउट कोरियन डेलिकेसीज। तो लिटिल टिबेट यानी कि मजनू के टीले में बहुत ऐसे स्ट्रीट फूड्स हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। द फर्स्ट वन बीइंग लाफिंग। यहाँ पे आपको तीन चार जगह पे बहुत ही आराम से देखने को मिल जाएगा। लाफिंग इज़ डिश मेड विद मैदा, जो तिब्बतन क्यूजीन का एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्ट्रीट फूड में आता है। इसको बनाने के लिए ये मैम इसमें सॉल्ट, थोड़े स्टॉक, चिली पेस्ट और ब्लैक बीन सॉस, ये सब मिक्स करके इसको बनाती हैं और ये लिटरली खाने में बहुत औसम होता है। दिस इज़ सर्व्ड कोल्ड। इसमें डलता है सोयाबीन, सोया चंक्स, और ये ऐसे ही कोल्ड में बनता है, कोल्ड ही खाया जाता है। और इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से काट कर ये मैम प्रेजेंट करती है। लाफिंग देखा जाए तो काठमांडू नेपाल इस साइड में बहुत मिलता है, जहाँ पे एक्चुअली ये पहाड़ों में भी बहुत मिलता है, जो तिब्बत के आसपास के जो एरियाज हैं। इसकी एक और तरीके से लाफिंग को बनाया जाता है, लाफिंग नूडल्स की तरीके से। ये भी कोल्ड ही सर्व्ड होता है, और इसमें बस थोड़ा चेंजेस होते हैं, वो है सोया सॉस, विनेगर और कोल्ड वाटर का। इसमें चिली पेस्ट भी डलता है, बट वो अकॉर्डिंग टू पैलेट है, कितना डलवा सकते हो। हमारे इस वीडियो के मेन पार्ट में गैंगम। गैंगम एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ की इंटीरियर, जहाँ का पूरा वाइब एक प्रॉपर कोरियन तरीके से बनाया गया है। मेरे को यहाँ का मेन्यू बहुत पसंद आया, क्योंकि इस मेन्यू में कोरियन और इंग्लिश दोनों ट्रांसलेटेड है विद फोटोज, ताकि आपको पता चले कि आप ऑर्डर क्या कर रहे हो। इसके साथ स्टार्टिंग में ही हम लोग को हमारा प्लेट क्लेंस करने के लिए देते हैं एक हर्बल ग्रीन टी, जिसको जापान में ऊचा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो सीटिंग है वो ग्राउंड सीटिंग है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि हॉलो स्पेस दिया गया है अपने पैर आराम से रखने के लिए। मुझे ये लिटरली नहीं पता था कि ऐसा भी होता, मुझे लगा था कि पैर फोल्ड करके बैठना पड़ेगा तो पैर सो जाएंगे, बट लाइटिंग के मामले में और वो एक एम्बियंस के मामले में ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कर्टेंस दे लगे हुए हैं, ताकि हर बंदा अपनी तरफ का प्रिवेसी इंजॉय कर सके। यहाँ पे हमारा कुछ भी हम लोग ऑर्डर करते हैं उसके साथ अनलिमिटेड सर्विंग्स का एक साइड डिश मिलती है हम लोगों को, जिसमें होता है एग किम्बाप, ग्रीन अनियन किम्बाप, रेडिश किम्बाप और हमारा कैबेज किम्बाप और कुकुम्बर किम्बाप। इसके साथ ही ये बीच बीच में चेंज होते रहते हैं। इसमें आप लोगों को कभी ग्रीन अनियन की जगह स्पिनच मिल सकता है, कभी एग की जगह आपको चिकन मिल सकता है, तो ये अकॉर्डिंग टू सीज़न डिपेंड करता है। और मेरी मानो, पहली बार जब मैंने किम्बाप खाया था, इट वाज सो गुड, मेरे को तो लिटरली बहुत अच्छा लगा था वो खाने में, बहुत ही खट्टा था। इसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर किया था तुकबुकी। तुकबुकी इज़ बेसिकली अ राइस पैनकेक डिश। यहाँ पे ये जो लंबे वाले पार्ट हैं, दीज आर राइस एंड देयर आर चिकन एंड सॉफ्ट बॉइल्ड एग। इसकी ग्रेवी तो भाई साहब, ओ हो, और मैं जब पहली बार चॉपस्टिक उठा रहा था तो मुझसे तो उठ नहीं रहा था, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस हो गई। तुकबुकी वाज वेरी गुड, मतलब अगर मैं इसको रेट करूँ तो 5 out of 5। तुकबुकी बाद हम लोगों ने किमची जोंग ऑर्डर किया। दीज आर किमची विच वॉज प्रेस्ड इन टू पैनकेक साइज। इसके साथ किमची जोंग के साथ हम लोगों को मिला था सोया सॉस का एक डिप, जो इसके साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था। खट्टा विद खट्टा इज़ अ यूनिक कॉम्बिनेशन, लगा नहीं था। ये पैनकेक्स भी बहुत खट्टे थे और एक्चुअली किमची से बना हुआ था, तो ये लग भी रहा था कि हाँ ऐसा है, अच्छा था खाने में, बट पता नहीं कि मेरे को उतना पसंद नहीं आया। इसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर किया रामेन।
इसमें आप लोग देख सकते हो, इसमें हम लोगों को बहुत सारी वेजीज मिली थी, जिसमें गाजर, पटेटोज, बॉयल्ड पोच्ड एग और नूडल्स थे, और ब्लैक बीन की सॉस थी जो ग्रेवी के रूप में बनी हुई थी, और इसके अंदर चिकन के पीसेस थे। अब ये दिखने में जितना इजी लग रहा है, एट दी एंड जब हमने सब ट्राई कर लिया, हम लोगों ने ट्राई किया किम्बाब। एक्चुअली हमने तीन तरह के किम्बाब लिए थे, चिकन किम्बाब, अ चीज़ किम्बाब एंड अ टूना किम्बाब। सो किम्बाब इज बेसिकली लाइक राइस केक्स, जापान में जो बहुत खाए जाते हैं। इसके मिडल में चिकन की फिलिंग थी, साइड में राइस था, और उसके साइड में इसको रैप करने के लिए सी वीड यूज़ किया गया था। ये भी सर्व हुई थी सोया सॉस के साथ। चिकन किम्बाब एंड चीज़ किम्बाब वॉज रियली गुड, बट टूना किम्बाब वॉज लिटल बिट अजीब सा खाने में, मेरे को अच्छा नहीं लगा थोड़ा सा भी। तो अगर मेरी माने तो ये जगह इज़ वर्थ ट्राइंग विद योर फ्रेंड्स विद ग्रेट एम्बियंस। तो आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय।